बहुत ही प्रचलित डाइट पैटर्न है जो ज़्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को प्रिस्क्राइब किया जाता है या पेरेंट्स खुद ही देना अपने तरफ से शुरू कर देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अमलेंद्र त्रिपाठी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ GFCF डाइट के बारे में। GF मतलब कि ग्लूटेन फ्री, CF मतलब कि केसिन फ्री। ग्लूटेन मिलता है गेहूँ से, बार्ली से, रागी से, और केसिन मिलता है दूध से या दूध से बनी चीज़ें मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स से। ऐसा माना जाता है कि केसिन और ग्लूटेन लेने के वजह से, डाइट में होने से, जो हमारे आते हैं मतलब कि जो गट लाइनिंग है उनमें सूजन हो जाती है, जिससे कि वो लीकी गट में परिवर्तित हो जाती हैं और उससे उन शरीर में पास होने लगता है एक सब्सटेंस जिसे हम ओपियोइड बोलते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल है ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स के लिए। तो अगर ये ग्लूटेन और केसिन फ्री डाइट दी जाएगी तो वो सब्सटेंस नहीं बनेगा और इस तरह के बच्चों में सुधार देखा जाता है। लेकिन ये कोई प्रूवन नहीं है, ये स्टडी पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड नहीं है, क्लिनिकली प्रूव्ड नहीं है। कि इसी वजह से अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन या इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने इस डाइट को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मैंडेटरी नहीं रखा है। लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, चाहे पेरेंट्स ने किसी से सुन रखा हो, चाहे कहीं से पढ़ रखा हो, लेकिन ये डाइट फॉलो की जाती है। हम ये देखने को मिलता है कि जिन बच्चों में अगर गट के सिम्टम्स हैं, मतलब कि उनको पेट में कुछ दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी वॉमिटिंग होती है, डायरिया, पेट खराब रहता है, तो उनमें तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है अगर हम ये डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं। अदरवाइज सभी बच्चों को एक तरफ से ये डाइट प्रिस्क्राइब करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, इस तरह के बच्चे जो होते हैं इनके खाने पीने का पैटर्न भी बहुत अलग होता है, वो जो पसंद करते हैं वही खाते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और अगर सभी बच्चों में हम यही डाइट फॉलो करने लगते हैं तो ये उनके न्यूट्रिशनल उस वैल्यू पे बहुत असर करता है, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस पे भी बहुत असर करता है। इसीलिए मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ प्रूवन एलर्जिक सिम्टम हो, जहाँ सीलिक एलर्जी के सिम्टम हो, जहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं, वहाँ तो हमें इस डाइट को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और जब वो सिम्टम्स चले जाएं तो हमें इस डाइट से बच्चे को शिफ्ट भी कर देना चाहिए। अदरवाइज सबको एक तरफ से इस तरह की डाइट फॉलो करने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा है कि पेरेंट्स एक एक साल से ये डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनके ऑटिज्म वाले सिम्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह की किसी भी डाउट से आप गुजर रहे हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है या आपको किसी तरह का ट्रीटमेंट लेना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का पता, मेरे क्लिनिक का फ़ोन नंबर वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा।